नमस्कार, सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के साइंस यानी कि विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो में एक वीडियो हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चन का अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टि से, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला सवाल है कि अपचयन में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, या ऑक्सीजन की कमी होती है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का वृद्धि होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अपचयन में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है और उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो है कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है संक्षारण, ऑप्शन बी है विकृत गंधिता, या ऑप्शन सी है रेडॉक्स, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस अभिक्रिया में अपचयन यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग और उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, संक्षारण क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब लोहे के वस्तु को खुली आर्द्र में यानी आर्द्र हवा में अगर रख देते हैं, खुली वातावरण में रख देते हैं, तो उस पर जंग लग जाता है। तो जंग लगने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ओके, और विकृत गंधिता क्या होता है, जब किसी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगता है यानी बदबू आने लगता है, तो इस प्रकार के खाद्य पदार्थ को हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है कि उपचयन को रोकने के लिए क्या करना होता है। दोस्तों, उपचयन को रोकने के लिए क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकारक, अवकारक, या प्रति ऑक्सीकारक, या प्रति अवकारक। तो इसका सही उत्तर होगा उपचयन को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक देना होता है यानी ऑक्सीजन को और जाने से रोकना होता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रति ऑक्सीकारक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है तो एक्स का नाम क्या होगा। आपको बताना है कि किस पदार्थ के माध्यम से सफेदी किया जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड से, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट से, और ऑप्शन डी है कैल्शियम नाइट्रेट से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO से सफेदी किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो CaOH2, ये जो होता है ये बुझा हुआ चूना का उपयोग होता है। अगर ये दोनों में से कोई ऑप्शन में रहे तो दोनों सा आंसर सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है। तो ऑप्शन है नीला, हरा, सफ़ेद, या भूरा। तो आपको ध्यान में रखना है इसका सही उत्तर होगा सफ़ेद। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग का अवक्षेप उत्पन्न होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अभिक्रिया ZnO+C ZnCO में किसका उपचयन हुआ है। ऑप्शन ए है जिंक में, ऑप्शन बी है कार्बन में, या जिंक ऑक्साइड में, या कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, यानी कि यहाँ पे कार्बन अकेला था और इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया, यानी ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अभिक्रिया CuO + H2O में किसका उपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीजन का योग किसमें हुआ है। ऑप्शन है CuO में, ऑप्शन बी है H2 में, ऑप्शन सी है Cu में, या ऑप्शन डी है H2O में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ अकेला था और यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कि दिए गए पदार्थ में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो आपको बताना है कि उपचयन किस में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का योग किस में हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास किस में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, तो कार्बन में यहाँ पे देखिए अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का कार्बन में योग हुआ और यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो था यहाँ से इसका ह्रास हुआ। तो ह्रास होना मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि PbO में अपचयन हो रहा है और कार्बन में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो सबसे पहला क्या है, उपचयन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यानी कार्बन में क्या हो रहा है, उपचयन, और PbO में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, आपको फंसाने वाला क्वेश्चन देगा, तो आपको ध्यान में रखना है इस तरह का क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कॉपर सल्फेट प्लस फेरस, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ऑप्शन नंबर सी है फेरस सल्फेट प्लस जिंक, या ऑप्शन नंबर डी है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कॉपर से कम अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो जिंक होता है। जिंक जो है, जिंक के स्थान पर यहाँ क्या होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक होना चाहिए था। ओके, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर का निर्माण होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए में संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, या उष्माक्षेपी हो रहा है, या वियोजन हो रहा है, या विस्थापन हो रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पीबी जो है वो कॉपर को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, यानी पीबी क्लोराइड बन गया है और कॉपर को विस्थापित करके अलग कर दिया है, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फेरस और कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया करने के बाद फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है फेरस जो है इसे कॉपर को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया, यानी कॉपर के स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया है, फेरस आ गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, श्वेत होगा या काला होगा या हरा होगा या पीला होगा। दोस्तों सिल्वर यानी चांदी, चांदी कैसा होता है तो सफ़ेद होता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड भी क्या होगा, सफ़ेद होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कि कॉपर सल्फेट किस रंग के होता है। तो आपको बताना है कॉपर सल्फेट कैसा होता है। ऑप्शन ए है लाल होता है, नीला होता है, या हरा होता है, या पीला होता है। तो इसका सही उत्तर होगा
आपको ध्यान में रखना है कि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि मैग्नीशियम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? ऑप्शन है उपचयन होता है या अपचयन होता है या उपचयन अपचयन दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, मैग्नीशियम आ जा रहा है, तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होना उपचयन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपचयन अभिक्रिया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, तो Mg था लेकिन जलाने के बाद क्या हो गया, MgO हो गया, यानी ऑक्सीजन का योग हो गया, तो ऑक्सीजन का योग होता है तो इसे भी क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नांकित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है AgBr को टूटने के बाद Ag अलग और Br अलग हो जाता है। Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है, ओके, और Br मतलब क्या होता है, ब्रोमीन होता है। ये टूटने के बाद Ag अलग यानी सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण, तो इसमें प्रकाश निकलता है या नहीं निकलता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, जल, जल को टूटने के बाद हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, और इसमें कॉपर प्लस ऑक्सीजन को संयोग होने के बाद क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वियोजन यानी कि टूटना, ठीक है। तो AgBr को टूटने के बाद प्रकाश निकलता है और Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है 2H2O, 2H2 प्लस O2। ऑप्शन नंबर बी है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने के बाद क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या AgCl, 2AgCl, Ag अलग और Cl2 अलग हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उष्मीय वियोजन का अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन वियोजित हो जाता है यानी टूट जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन अपचायक है, ठीक है। आपको बताना है कि अपचायक किसमें से कौन है, क्लोरीन यानी Cl2 HNO3 या O2 यानी ऑक्सीजन H2S। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लोरीन जो है एक प्रकार का अपचायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन उपचायक है। ऑप्शन दिया है Cl2 या H2O या H2S या SO2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, H2S जो है एक प्रकार का उपचायक होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपचायक और अपचायक दोनों का उदाहरण है। तो आपको ध्यान में रखना है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है वो क्या है, अपचायक होता है और उपचायक भी होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।